हेलो गाइस, बोलो हाय गाइस, बोलो आएगी अच्छा ऐसे अभी करेगा ना निकु दे ओ इधर में इधर को मेरे को हाँ निकु सुई लगेगी तेरे कैसे लगेगी सुई सुई अच्छा क्या बनाया तुमने निकु तो फ्रेंड्स आज है अष्टमी और यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। देखो थाली सारी लगा दी है लाइन से, उधर माता की एक थाली, इधर पूजा का। हमारी माता रानी हमारे ना पास छोटी सी माता है तो हम इनसे कर लेते हैं। पापा लगे पड़े हैं, पापा और मैंने ये थाली तैयार कर दी। यहाँ पे ऋषि का भी आ गई है, दीदी आ गई है यहाँ पे। देखो दीदी कितनी अच्छी लग रही है, तो दिल कुछ नहीं आ रहा। तो दीदी हमने सबने हमारे से पहले ही कर ली थी। कितने बजे? 9 बजे तो करी हुई होगी, 8:30 बजे कर ली थी इन्होंने। मैं उठी, चले गए ड्यूटी वाले, ड्यूटी वाले चले गए। 8 बजे उठाया मुझे दीदी आपने। मैं 6:30 बजे ड्यूटी हुई। फ्रेंड्स जैसे हम लोग कन्या बिठा रहे थे ना, तो मैंने बाहर आके देखा मैं गाय देख लेती हूँ एक बार। तो गाय माता एकदम से ही आ गई थी, ऐसे जल्दी से दिखती ही नहीं है गाय माता। तो जो माता रानी का जो प्रसाद रहता है, माता की जो हम थाली बनाते हैं, तो वो गाय माता को दी जाती है। तो अभी मैंने गाय माता को भी प्रसाद खिला दिया था, तो ना फिर अच्छा सा लगता है। साथ ही साथ कन्या भी और गाय माता को भी जब जिमा दो तो ऐसे लगता है कि पूजा पूरी हो गई। फ्रेंड्स अभी कन्या भी बिठा ली हमने, और कन्या बिठाने के बाद ना हमने थोड़ा रेस्ट करा था, क्योंकि पूरी खाते हैं ना तो पता नहीं क्या नशा सा हो जाता है बहुत ज्यादा। तो अभी मैं बाहर जाने के लिए बैठी हूँ रेडी होके, क्योंकि बाहर एक तो मुझे अपने घर का सामान लेना है और एक मुझे करवानी है घड़ी ठीक, मेरी शादी की जो घड़ी थी वो मुझे ठीक करानी है। और अभी टाइम हो रहा है, तो अभी ना टाइम हो रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, मतलब 4:15 होने वाले हैं। तो इतनी दोपहर में मुझे जाना पड़ रहा है, और इधर तनिष्का बैठ के रेस्ट कर रही है। पता नहीं इसके ना, जब से इसने सोनाक्षी सिन्हा वाली वीडियो बनाई ना, तब से इसके आईज में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं कब ठीक होगा इसके आईज में पेन, ज़्यादा सर में भी दर्द है, सर में भी दर्द है इसके, है ना, हेडेक है और आई स्वेलिंग। तो दवाई ले ली है पर क्या पता आराम हो जाए उससे, है ना। 2-3 दिन में होता है, हाँ हो जाएगा। चलो तो फ्रेंड्स तनिष्का को तो दे दी हमने दवाई, अब देखते हैं इसे कब तक होगा आराम। लेकिन ये रेस्ट करेगी, हम लोग जा रहे हैं तो इतनी दोपहर को मैं इसलिए जा रही हूँ, मतलब 3:30-4 बजे इसलिए जा रही हूँ मैं मार्केट, क्योंकि ना अगर मैं 5 या 5:30 बजे के बीच में जाऊँगी तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि मुझे जाना है अशोक नगर। तो अशोक नगर पे ना बेहतर की शॉप है एक, तो बड़ा अच्छा सामान मिलता है वहाँ पर। पहले मेरे यहाँ भी थी जहाँ मैं रहती हूँ, पर वो वहाँ से हट गई है, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पर है। और मेरे को जो घड़ी ठीक करानी है अपनी शादी की, वो ये वाली है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी शादी की घड़ी, इस पे लिखा है अजीत सोनिया और हमारी शादी की डेट लिखी है। तो फ्रेंड्स ये वाली घड़ी आप सोच रहे होंगे नाम क्यों लिखा है इसमें, तो ये मेरी शादी की घड़ी है, 16 साल पुरानी। तो जब मेरी शादी हुई थी, शादी वाले दिन बरातियों को गिफ्ट देते हैं ना, तो पापा ने ये बनवाई थी घड़ी। कम से कम 400 घड़ियां पापा ने ऑर्डर करी थी, मुझे याद है। तो पापा ने सभी बराती जितने भी आए थे सभी को दी थी ये घड़ी। तो ये मेरी शादी की निशानी है, मैं इसे खराब या बिल्कुल भी मतलब फेंकूंगी नहीं, जब तक मैं रहूंगी तब तक ये भी रहेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप वाला, देखते हैं क्या बोलता है, कब तक ठीक कर देगा इसे। नहीं फ्रेंड्स देखते हैं शॉप वाला कब तक ठीक करके दे देगा इसे, अगर हैंड टू हैंड कर दे तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी बहुत लेट हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं मार्केट की तरफ। चलो घड़ी तो डाल दी है मैंने ठीक होने के लिए, 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। इतने मैं घर का सामान ले लेती हूँ जो मुझे अपनी किचन के लिए लेना है। ये वही वाली, ये जो हरी मटर, नहीं 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 ये व्हाइट मटर होती है जो ये छोले कुलचे वाले बनाते हैं, है ना। वो
अभी मैंने मेरी घड़ी भी ठीक हो गई और घर का सामान भी ले लिया है मैंने, तो अभी जा रहे हैं हम घर की तरफ। चलो घर चल के मिलते हैं फिर आपसे। किलो, अरे भैया 40 की लगा लो, आधी किलो नहीं तो भी यार 50 रुपए तो किलो ही हो जाती है कटहल इन दिनों में। मैं तो भी 40 की आधी किलो बोल रही हूँ। छलारा मंडी में सस्ती मिल जाएगी मुझे लग रहा है। अच्छी अच्छी सब्जी है भैया ने काट के दे दी हमें, कटहल काट के रख रखी थी मैंने, तो कटी हुई ले ली और छिलके वाली अलग है। देख मेरे पास इतना ज्यादा सामान है, पर्स भी है, घर का सामान भी, और ये कटहल भी ले लिया मैंने अभी। बड़ी मुश्किल से सारा सामान पकड़ के बैठी हूँ मैं सच में, बस ऐसे लग रहा है जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। बढ़िया दे दो, इतना ज्यादा सामान है, दोनों दे दो ना। तो फ्रेंड्स मार्केट से मैं जब सामान लेके घर आए ना, तो यहाँ पे इन्होंने, इस घर वालों ने इसे रोक रखा था कान छेदने वाले को, तो जानू को कान छिदवाने थे अपने, तो अभी निकू भी देख के हंस रहा था। इसे जानू बहुत डर रही थी, मतलब इसके कान तो अपने पहले छिदवा रखे थे लेकिन ना वो बंद हो गए थे क्योंकि इसके दर्द होता, तो इसने कान में रिंग्स वगैरह डालने छोड़ दिए थे। पर ये काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मम्मी अभी स्कूल की छुट्टियां भी पड़ रही हैं रामनवमी की अष्टमी की, तो मैंने कहा चलो इसी बीच में इसके कान भी छिद जाएंगे तो ठीक भी हो जाएंगे, वरना बच्चों का हाथ लग जाता है स्कूल में। ये वाला कान जो ना गलत छेदा पहले से, तो अब किसमें उसी में ही कराए क्या? नहीं दूसरी से, तभी दर्द हुआ इसमें ज्यादा। बस बस कोई नहीं, थोड़ी देर का बस वैसा पहले का ज्यादा अंदर दबा हुआ था, सीरियस हो रहा है। खाना भी बन के आ गया है, लेट हो गया आज मैं बहुत ज्यादा, तो खाने में बनाए आज कटहल और रोटी। तो फ्रेंड्स अभी खा लेते हैं हम खाना, और रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। बच्चों का ना इतना ज्यादा मन कर रहा था कटहल बनवाने का, तनिष्का की तो फेवरेट है मेरे हाथ की कटहल, सूखी सूखी सी बनाती हूँ मैं, पर आज इसने अच्छे से नहीं खाई है, बता रही है वो, क्योंकि इसके जुखाम हो रहा है ना इसलिए। फ्रेंड्स काफी दिनों से, एक महीना सारा हो गया, आईपीएल मैच चले ही जा रहा है और नवरात्रि भी खत्म हो गया, पता नहीं ये मैच कब खत्म होगा। मैं तो खैर इतना नहीं देखती पर ये जरूर देखते हैं, मैच मिस नहीं करते, इन्हें पसंद है 2020 वाला ज्यादा पसंद है, जल्दी खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।